तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिलिप्स कंपनी का एक सीआरटी टीवी है और इसका प्रॉब्लम कैबिनेट का बैक कवर का पीछे ही लिखा है मॉडल 21PT3426। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों पिछले एक वीडियो में आपको दिखाया कि ये जो फिलिप्स कंपनी का एक सीआरटी अल्ट्रा स्लिम टीवी है, तो ये अल्ट्रा स्लिम टीवी डेट प्रॉब्लम था, वो मैं रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद देखा है पीसीबी के अंदर बहुत कुछ फॉल्ट है। और मेनली आज इस वीडियो में आपको जो देखाऊंगा, ये पीसीबी का जो मेन फॉल्ट है, ईएसटी सप्लाई थोड़ा हाई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो टीवी है और इसका ये मेन चैसिस है, ठीक है। तो ये चैसिस का जो मेन प्रोसेसर आईसी सीपीए नंबर आपको एक बार बता देता हूँ, आप देख सकते हो TDA1215PS N3/3/MA4, ठीक है, MA4 ये इसका प्रोसेसर आईसी है। तो चलिए, ये जो चैसिस है, ये चैसिस का जो मेन फॉल्ट अभी जो मिला है सेपी, ये फॉल्ट आपको आज रिपेयर करके देखूंगा कि इसका जो मेन फॉल्ट है ईएसटी सप्लाई हाई। तो इस तरह मार्केट पर बहुत पीसीबी देखा जाता है कि एलजी का, वीडियोकॉन का, तो वो चैसिस का पावर पीसेट नहीं है। तो आप देख सकते हो ये जो चैसिस है, ये चैसिस का पावर पीसेट नहीं है। आप देखिए ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर, ये हॉट सेक्शन है, ठीक है। और इसका अंदर ये जो ऑप्टो कपलर है, ये जो ऑप्टो कपलर आप देखिए, यहाँ पर कुछ भी पीसेट नहीं है। तो जिस सेट का पीसेट नहीं है और उसका ईएसटी सप्लाई हाई और लो हो जाएगा, तो कैसे वो रिपेयर करे। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स और बहुत धीरे से समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए आपको थोड़ा सप्लाई वोल्ट आपको चेक करके देखाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद कैसे रिपेयर किया जाता है ये भी आपको देखाऊंगा। और ये पीसीबी तो मैं फास्ट ऑन करके देखा है, आप देख सकते हो इसका सेंसर कनेक्शन ये है, और बहुत दिन पहले कुछ भी एक टेक्नीशियन ये रिपेयर किया है। तो चलिए फर्स्ट आपको सप्लाई चेक करके एक बार देखाऊँगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अल्ट्रा स्लिम पीसीबी है, ये सीरीज लाइन से नहीं ऑन होगा, ठीक है, ये सीरीज लाइन से नहीं ऑन होगा। तो चलिए, तब भी आपको इस टाइम जो मैं पहले वीडियो में दिखाया, और जो दोस्त नया ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि अब देखिए मैं सीरीज लाइन से ये सेट को मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये ऑन नहीं होगा। देखिए मैं 200 बल्ब सीरीज लाइन से मैं सभी पीसीबी टेस्ट करता हूँ। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्त अब देख सकते हो मैं सप्लाई तो दे दिया, और कुछ टाइम बाद देखिए इसका इंडिकेटर पर लाइन ये आता है, ठीक है, इंडिकेटर पर लाइन आ गया और ये अभी स्टैंड बाई मोड पर है। आपको सप्लाई देने का बाद स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा, ये पीसीबी का ये सिस्टम है। और स्टैंड बाई कंडीशन पर इसका ईएसटी सप्लाई आप देख सकते हो, ये जो चॉपर से जो आउटपुट होता है ईएसटी सप्लाई, यहाँ पर अभी देखिए 44 वोल्ट है, ठीक है। और ये जो सप्लाई जाता है ये ईएसटी का 2 नंबर पिन पर, ठीक है, यहाँ पर सप्लाई देखिए 44 वोल्ट DC, ठीक है। तो दोस्तों ये चैसिस का एक सिस्टम है, ये जो पीटीसी है, ये पीटीसी का 2 आउटपुट पॉइंट है, ठीक है, ये पीटीसी का 2 आउटपुट पॉइंट है। यहाँ पर जो पीटीसी पॉइंट है, ये जो पीटीसी का एक पॉइंट है, यहाँ पर एक चारों टांग वाला रिले है, ठीक है, ये रिले है। तो स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद तब इसका वोल्टेज आउटपुट यहाँ से होगा, ठीक है, ये आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं सीरीज लाइन तो दे दिया, एक बार स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं, ये मेरा पास रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट से मैं स्टैंड बाई ऑन करूँगा और इसका इंडिकेटर लाइन ऑफ हो जाएगा, ठीक है, आप फॉलो कीजिए। और इसके साथ आपको ये सीरीज लैंप भी दिखाऊँगा, ठीक है। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया और देखिए फिर भी साथ साथ वो स्टैंड बाई मोड पर चला गया, आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ऑन हो गया और दोबारा साथ साथ ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो इसी टाइम मैं दोबारा फिर भी ऑन करूँगा और आप सीरीज लैंप फॉलो कीजिए। देखिए सीरीज लैंप फुल जब ग्लो हो जाएगा तो ये स्टैंड बाई मोड पर ही चला जाएगा, ये पीसीबी का ये सिस्टम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसी टाइम आपको डायरेक्ट लाइन देके दिखाऊंगा। देखिए मैं डायरेक्ट लाइन दे दिया, ये सीरीज लाइन है और ये डायरेक्ट टाई लाइन है, मैं सप्लाई दे देता हूँ।
ठीक है, ये सप्लाई दे दिया और इसका पावर इंडिकेटर अभी जल रहा है, आप देख सकते हो। और इसी टाइम देखिए इसका ESD सप्लाई जो अभी स्टैंड बाई मोड पर है, ये देखिए 44 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ रिमोट लेके। देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन किया और इसी कंडीशन पर देखिए इसका ESD सप्लाई अभी 129, तो 130 वोल्ट का ये आसपास है। आप ध्यान से देखिए ये जो ESD सप्लाई अभी इस टाइम देखिए, मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ, 129 वोल्ट, तो 130 वोल्ट का ये आसपास है और TV इस टाइम ऑन हो गया है। तो दोस्तों ये जो वोल्ट है एक्चुअली ये 110 वोल्ट होना चाहिए, देखिए 110 वोल्ट होना चाहिए, इतना वोल्ट कम क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो ये वोल्टेज को मैं आपको 110 वोल्ट का आसपास करके दिखाऊंगा ये वोल्टेज कैसे डाउन किया जाता है। तो दोस्तों चलिए, और दोस्तों इस टाइम आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए ये जो ESD सप्लाई अभी 129 वोल्ट है, ठीक है, इसी टाइम देखिए जो इसका TV का जो स्क्रीन ये फुल है, आप ध्यान से देखिए स्क्रीन फुल है। ठीक है, तो चलिए आपको जो देखाऊंगा कि मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ और ये वोल्टेज कैसे डाउन करे, तो ये करके मैं आपको दिखाऊंगा। और दिखाने का पहले आपको जो बताना चाहता हूँ कि देखिए ESD सप्लाई हाई होने का बजाय इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर इसका ऊपर भी लोड ज़्यादा पड़ेगा और ये ट्रांजिस्टर भी थोड़ा हीट होगा, ओवरहीट भी हो सकता है और वोल्टेज हाई वोल्टेज ESD सप्लाई पर जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर बहुत ही ओवरहीट होने का बाद भी काट जाता है। ठीक है, और इसका जो सप्लाई रेजिस्टेंस है ESD सप्लाई रेजिस्टेंस ये भी काट जाता है। और पहले जो वीडियो में आपको देखा है ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया था, ये काट गया था। ठीक है, और लगता है कि ये फॉल्ट ही था PCB का और ये फॉल्ट का बजाय पिक्चर जो बहुत बड़ा हो गया था, इसी के लिए यहाँ पर ये कॉल के अंदर एक कॉयल लगाया कोई भी एक टेक्नीशियन, कि ये कॉयल लगाने का बाद जो होता है पिक्चर का दोनों साइड थोड़ा डाउन हो जाता है, दोनों साइड थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन एक्चुअली इसका मेन सॉल्यूशन ये नहीं है, तो मेन सॉल्यूशन जो है ये वोल्टेज को डाउन करना है ESD सप्लाई को। चलिए आपको ये वीडियो में जो देखाऊंगा आप ध्यान दीजिए मेनली ये वोल्टेज कैसे डाउन करे। देखिए ये जो ESD सप्लाई आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो डायोड है ये पिन से ये जो चॉपर का ये पिन से 110 वोल्ट आउटपुट होता है। ठीक है, तो मेनली प्रॉपर 110 वोल्ट ये पिन से आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा हाई वोल्टेज आउटपुट होता है और ये जो कंट्रोल किया जाता है प्रॉपर 110 वोल्ट कंट्रोल किया जाता है, इसका एक फीडबैक रेगुलेटर सिस्टम है। तो दोस्तों देखिए ये जो 110 वोल्ट लाइन है ये लाइन से तो ESD सप्लाई पर ये चला गया, लेकिन ये लाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा कि ये लाइन से इधर तक एक जम्पर है। ठीक है, और ये भी एक जम्पर है और उसका बाद ये एक लाइन है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट से, तो दोस्तों देखिए ये पॉइंट से इधर एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस का बाद देखिए ये साइड और एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दोनों सीरीज रेजिस्टेंस है और ये जो लाइन जाता है आप देखिए, आपको लाइन ट्रैक करके दिखाता हूँ, ये पॉइंट पर आता है। ठीक है, और यहाँ से यह तक एक जम्पर है और यहाँ पर देखिए एक फीडबैक जो रेगुलेट पावर आउटपुट वोल्टेज को जो रेगुलेट करने के लिए ये जो ट्रांजिस्टर है आप देख सकते हो, ये ट्रांजिस्टर और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस जेनर है, ये रेगुलेट करने का बाद ये जो वोल्टेज इधर आता है देखिए ये ऑप्टोकपलर पर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्टोकपलर सेक्शन पर अलग अलग रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी फॉल्ट हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है और ये जो मेन सप्लाई लाइन है कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो फॉल्ट देखा जाता है ये आपको दिखाऊंगा। तो ये जो दो सीरीज रेजिस्टेंस है कंपनी चेसिस का अंदर LG का अंदर भी देखा जाता है, ये दो अलग कलर का ऊपर रेजिस्टेंस देखा जाता है, अधिकतर ये दोनों रेजिस्टेंस ही फॉल्ट होता है। तो चलिए ये दोनों रेजिस्टेंस को आपको उल्टा करके एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये PCB का ये ESD सप्लाई का डायोड है। ठीक है, और ESD और पावर सप्लाई है, ये कुछ भी पावर सप्लाई हो सकता है।
तो देखिए ये जो पोजीशन है ये दो रेजिस्टेंस है जो आपको फर्स्ट दिखाया, ये जो अलग कलर के ऊपर रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस अधिकतर फॉल्ट होता है जो एलजी का अंदर एलजी पीसीबी का अंदर भी ये देखा जाता है, वीडियोकॉन का अंदर भी देखा जाता है ठीक है। तो चलिए ये दो रेजिस्टेंस को फर्स्ट मैं ओपन करूँगा, ओपन करके मेजर करके आपका एक बार दिखाऊँगा ठीक है। तो चलिए ये जो रेजिस्टेंस आपको फर्स्ट बताया, ये जो रेजिस्टेंस आप देखिए, ये जो 110 वोल्ट लाइन का साथ ये जो जम्पर है और उसके बाद ये पोजीशन से देखिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस से इधर एक कनेक्शन जो सीरीज कनेक्शन है, ये दोनों रेजिस्टेंस को मैं ओपन करके आपको एक बार मेजर करके दिखाता हूँ ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, मैं ये जो 110 वोल्ट लाइन का ये जो ये जो जम्पर है, ये जम्पर से और इधर एक जम्पर है और ये जो दोनों रेजिस्टेंस आपको देखा है, ये दोनों रेजिस्टेंस को मैं ये पॉइंट से मैं ओपन किया ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो दोनों जो रेजिस्टेंस है इसका कलर कोड आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5, ये 5 कलर का रेजिस्टेंस है और ये भी 5 कलर का रेजिस्टेंस है। तो ये कलर कोड देख के आप ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आप पता कर सकते हो। तो चलिए आपको मेजर करके भी एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं मीटर को 200 किलो ओम्स रेंज पर रख के मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो ये जो एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आप देखिए, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू देखिए 11.9, तो 12K का आसपास है ठीक है दोस्तों। तो ये 12K का एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इसका ऊपर जो कलर कोड ये है, ये 12K का ही है। तो चलिए आपको थोड़ा मैं नोट करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये 12K का रेजिस्टेंस है ठीक है। तो चलिए उसका बाद आपको ये जो रेजिस्टेंस आपको मेजर करके दिखाता हूँ। देखिए इसका कितना ओम्स का ये रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस अब देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू मीटर पर देखा जाता है 150K का ठीक है, 150K का ये रेजिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों इसका ऊपर जो कलर कोड है ये अलग है। तो चलिए मैं ये जो रेजिस्टेंस का जो मान अभी हो गया 115K ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो आपको ये नॉर्मल सा हिसाब आपको दिखाता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू नॉर्मल सा हिसाब करेगा तो ये कितना एम्स होता है। ये 127K का आसपास ये रेजिस्टेंस का वैल्यू ये हो गया। और ये जो वैल्यू हो गया इसका वोल्टेज कितना मिला है, ये रेजिस्टेंस का बाद जो वोल्टेज मिला है 129 वोल्ट ठीक है, ये वोल्टेज मिला है ठीक है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस एक्चुअली है और इसका जो कलर कोड है, ये कलर कोड एक्चुअली ये दोस्तों 100K का रेजिस्टेंस है ठीक है, ये 100K का रेजिस्टेंस है और इसका वैल्यू थोड़ा चेंज हो गया जो 15K थोड़ा हाई हो गया है ठीक है, 15K हाई हो गया है। तो चलिए मैं ये दोनों रेजिस्टेंस को साइड काट देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसका जो रेजिस्टेंस है ये तो 12K ओके है और यहाँ पर जो 100K रेजिस्टेंस उसका ओरिजिनल जो वैल्यू है ये 100K है। तो दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू ये 112K का आसपास इसका वैल्यू है ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये वैल्यू आप एक रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो और दोनों रेजिस्टेंस आप मिला के इस तरह वैल्यू आप कर सकते हो ठीक है। तो अभी मेरा पास ये रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको देखा तो मेरा पास ये एक रेजिस्टेंस है ठीक है। ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए 120K का ये रेजिस्टेंस है ठीक है। तो दोस्तों देखिए
इसका जो वैल्यू है ये जो वैल्यू चेंज हो गया 127 हो गया और मेरा पास है 120 के का रेजिस्टेंस। और दोस्तों ये पोजीशन पर जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस काम करेगा एक्यूरेट वोल्टेज के लिए, 112 के का रेजिस्टेंस। तो दोनों बीच का ये रेजिस्टेंस 120 के का रेजिस्टेंस में, यहाँ पर मैं एक बार कनेक्शन करके देख लेता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों ये सीरीज रेजिस्टेंस है तो इसीलिए मैं यहाँ पर ही कनेक्शन कर देता हूँ रेजिस्टेंस को, ठीक है। यहाँ पर मैं कनेक्शन कर दिया ये पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट है जिस पिन से पिन पर ये सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पर मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 120 के का ये रेजिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है। तो ये कनेक्शन कर दिया, तो चलिए आपको एक बार सप्लाई चेक करके देखाऊंगा कि कितना सप्लाई मिलेगा। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, मीटर को मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, तो दोस्तों सप्लाई तो मैं दे दिया और अभी तो ये स्टैंड बाई कंडीशन पर है। तो इसी टाइम इसका डीसी वोल्ट ईएसटी सप्लाई अभी देखिए 44 वोल्ट है, ठीक है। और चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ और यहाँ पर वोल्टेज कितना आता है आप एक बार देख लीजिए। देखिए स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज देखिए 121 वोल्ट हो गया। अब फॉलो कीजिए, 121 वोल्ट हो गया और ये जो ई एस टी सप्लाई वोल्ट देखिए 120 वोल्ट हो गया, थोड़ा डाउन हो गया है। तो चलिए मैं सप्लाई थोड़ा ऑफ कर, इस टाइम ऑफ कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर फॉलो कीजिए कि ये जो मैं रेजिस्टेंस लगाया 120 के का रेजिस्टेंस लगाया और ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद कितना वोल्ट मिला, 120 वोल्ट मिला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं और एक रेजिस्टेंस अलग कनेक्शन करके देखाऊंगा कि कितना वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये जो दो रेजिस्टेंस मैं चेंज किया, इसका एक रेजिस्टेंस 112 के का है। तो मैं अभी एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए मैं मीटर को 200 किलो ओम्स रेंज पर रखा है और ये जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये 115 के है, ठीक है, जिसका वैल्यू थोड़ा चेंज हो गया। तो अभी ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 115 ओम्स का है, सॉरी 115 के का है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस को मैं एक बार कनेक्शन करूँगा। तो इसीलिए मैं ये जो रेजिस्टेंस कनेक्शन किया, ये रेजिस्टेंस ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद ये पोजीशन पर मैं ये 115 के, ठीक है, पहले मैं 120 के कनेक्शन किया और अभी मैं थोड़ा और कम रेजिस्टेंस, मैं एक ही रेजिस्टेंस कनेक्शन कर देता हूँ। तो देखिए मैं 15 के रेजिस्टेंस कनेक्शन किया, ठीक है। और चलिए इसी टाइम आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। मैं 200 डीसी रेंज पर मीटर को सिलेक्ट किया है और आपको डायरेक्ट ही सब कुछ करके दिखाता हूँ कि आपका मन में कुछ भी डाउट ना आ जाए, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है, मैं सप्लाई दे दिया और इसी टाइम स्टैंड बाई मोड पर ईएसटी सप्लाई वोल्ट अभी देखिए ये 44.2 वोल्ट है, ठीक है। और चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन किया और इसका वोल्टेज देखिए और थोड़ा डाउन हो गया, 117.6 वोल्ट हो गया। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, ये जो ईएसटी सप्लाई 117 वोल्ट हो गया। तो दोस्तों ये वोल्ट कम चल जाएगा। तो मैं ये सप्लाई अप कर दिया और इसी टाइम आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि मैं 115
16 के रेजिस्टेंस लगाया और इसके बाद जो वोल्टेज मिला है 117 वोल्ट मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ ये सब लिख के, तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू, ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू ये होना चाहिए 112 के। तो दोस्तों देखिए, मैं जब 20 के लगाए इसका वैल्यू थोड़ा कम हो गया, जब मैं 15 के लगाए इसका वोल्टेज थोड़ा भी और कम हो गया। तो दोस्तों 112 के लगाएगा तो रेजिस्टेंस, तो इसका वैल्यू 110 वोल्ट का आसपास ही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हो कि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा है। तो वो रेजिस्टेंस मेरा पास नहीं है, तो मेजर करके लगाएगा तो काम चल जाएगा, तब भी 170 वोल्ट काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसका बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ, वोल्टेज तो 170 हो गया, मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ और देने का बाद आपको स्टैंड बाई से मैं ऑन करके दिखाऊंगा और पिक्चर भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसका इंडिकेटर अभी जल रहा है और स्टैंड बाई से मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने का बाद इसका स्क्रीन आप फॉलो कीजिए, जो पिक्चर आपको फास्ट दिखाया दोनों साइड फुल था, ये दिखे थोड़ा कम हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो चलिए मैं थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ कि कैमरा बेदर्दी से प्यार का सहारा ना। दोस्तों देखिए, इसका दोनों साइड थोड़ा गैप हो गया क्योंकि इसका आउटपुट वोल्टेज लो हो गया, लेकिन ये लो नहीं है क्योंकि ये एडजस्ट करने के लिए फास्ट जो ये योग का अंदर जो कॉइल लगाया है ये ओपन करके अब डायरेक्ट कनेक्शन करेगा तो जो साइज वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली ये पीसीबी को लास्ट में आपको जो दिखाऊंगा, मैं वीडियो लाइन दे दिया, तो चलिए मैं वीडियो लाइन ओपन करके ही आपको एक बार दिखाता हूँ। मिलिए आपको जो दिखाऊंगा कि इसका जो ESD सप्लाई थोड़ा डाउन कर दिया और ये योग कॉइल का अंदर जो छोटा वाला कॉइल था जो पिक्चर एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया है कुछ भी एक टेक्नीशियन, ये मैं ओपन कर दिया और मैं डायरेक्ट ये कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो और इसका समय मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई तो दे दिया और आपको वोल्टेज चेक करके भी एक बार थोड़ा दिखाऊंगा और ये अभी स्टैंड बाई मोड पर है, मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से मैं ऑन कर दिया और इसका ESD सप्लाई अभी एक बार देख लीजिए, इसका ESD सप्लाई अभी मीटर का नेगेटिव कॉर्ड ओपन हो गया है। तो चलिए इसी टाइम इसका ESD सप्लाई अभी देखिए 117 वोल्ट है। ठीक है, 117 वोल्ट है और इसका पिक्चर साइड देखिए पूरा फुल हो गया है। ठीक है, और चलिए मैं वीडियो लाइन दे के भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं वीडियो लाइन दे दिया और चलिए मैं वीडियो प्ले करके एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।